जैन साथियों, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ या युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, भारत देश में ऐसी कोई भी सरकार अभी तक नहीं आई जिस तरह से युवाओं के साथ में इस तरह से खिलवाड़ किया हो। आज हम बात करने वाले हैं सदन में अमित शाह क्या बोले युवाओं को रोजगार के लिए, साथ ही जब विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए अग्निपथ याचिकाओं पर कि हाईकोर्ट में जब याचिकाएं पड़ी हैं तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार का प्रेशर है तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार का प्रेशर रहेगा तो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो दूसरा कोई भी मदद नहीं करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है या कोई भी न्यूज आती है तो उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल में आर्मी एग्जाम पेंडिंग एग्जामिनेशन को लेकर के अब जोर और शोर से युवा क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भारत देश में विधानसभा का इलेक्शन होना है वह हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद में गुजरात है, और दोनों जगह से ही अब की बार बीजेपी हाथ धोने वाली है, कोई भी सीट बीजेपी की नहीं निकलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बीजेपी सरकार ने अगर मार दिया है तो वह युवाओं को दिया है, युवाओं को नहीं तो बेरोजगार के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इसी को लेकर के सदन में आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ऑब्जेक्शन किया जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि अगर आप इस तरह से अपने कार्यशैली को गिना रहे हैं तो आप एक कार्यशैली के बारे में मुझे ये भी बताइए कि आखिर हिंदुस्तान के युवाओं को आपने क्या दिया, जिस पर अमित शाह भड़क गए और अमित शाह ने अपनी लाइन तिरछी कर दी। उन्होंने उस जवाब को सवाल का जवाब न देते हुए अब वह महंगाई पर उतर आए। उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार में महंगाई इतनी थी, हमने तो कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ाई है, कांग्रेस सरकार में अभी 100 रुपये पार पेट्रोल कर चुकी थी जबकि 80 रुपये से नीचे थी कांग्रेस सरकार में। लेकिन उन्होंने युवाओं को रोजगार से संबंधित कोई भी विश्लेषण न करते हुए और उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी से इस पर भी विचार कर रहे हैं, हम सदन के समक्ष ये बात अपना प्रस्ताव रखते हैं कि अग्निपथ स्कीम में बदलाव हो नहीं हो या ना हो लेकिन युवाओं को रोजगार अवश्य देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कुछ ज़्यादा ही कर रही है, आंदोलन भी कर लिए युवाओं ने और अपना जो RTI RFT हर चीज़ हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो हर जगह डाल के देख लिए लेकिन युवाओं के हाथ फिर भी खाली रहे। इसको लेकर के आप अपने दिल में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए नए वीडियो देखने के लिए और नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी शब्द के साथ सभी भाइयों को जय हिंद।